नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। उन्हें ये जिम्मेदारी संजय राउत के समकक्ष मिली है। अभी तक संजय राउत अकेले ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, लेकिन अब अरविंद सावंत को भी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए जाना संजय राउत का कद घटाने के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि संजय राउत के हाल ही में दिए बयानों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं था। शिवसेना ने बुधवार को पार्टी का मुखपत्र सामना में अपने प्रवक्ताओं की एक नई सूची प्रकाशित की। राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक राउत को पिछले साल सितंबर में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था। सावंत को शिवसेना प्रमुख नियुक्त करने का कदम राउत के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बता दिया था। वहीं शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करने की बात कहकर भी संजय राउत को गठबंधन के अहम दल कांग्रेस का कोपभाजन बनना पड़ा। अब माना जा रहा है कि शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व ने अरविंद सावंत को मुख्य प्रवक्ता बनाकर संजय राउत को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी हद में रहें। बता दें कि प्रवक्ता चुने गए अरविंद सावंत वही हैं जिन पर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने धमकी देने का आरोप लगाया था। महिला सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि सावंत ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। महिला सांसद ने इस मामले की शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि सावंत पहले पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, जब 2019 से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थे तो वो केंद्रीय कैबिनेट में शिवसेना के अकेले मंत्री थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।